हेलो यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक काल के कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों के बारे में, जो पेपर की दृष्टि से, हर पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम की बचत के लिए हमने इन सबको पहले ही देख लिया है। तो चलिए बात करते हैं हम पहले विद्रोह, सन्यासी विद्रोह की। सन्यासी विद्रोह 1760 ईस्वी में शुरू हुआ था और वो 80 ईस्वी तक चला था। 1760 से 1800 तक चला था। हाँ जी, तो 1760 से 1800 तक चला था। और इसके जो नेतृत्व करता है वो है केना सरकार, देवजी नारायण। ये दोनों लोग थे, केना सरकार और ये देवजी नारायण। और ये विद्रोह जो है बिहार में हुआ था और बंगाल में हुआ था। ये जो सन्यासी विद्रोह है ये बंगाल और बिहार दोनों जगह हुआ था। आइए आगे बात करते हैं हम लोग फकीर विद्रोह की। फकीर विद्रोह 1776 से 1777 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करते हैं वो है मजमून शाह और चिराग अली जी, मतलब इसके नेतृत्व करता है मजमून शाह और चिराग अली। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल में हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं भील विद्रोह की। भील विद्रोह 1825 ईस्वी से 31 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता है वो है सेवा राम जी। और ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आप लोग जानते हैं ना, तमिलनाडु इधर का क्षेत्र जो होता है उसको पश्चिमी घाट कहते हैं, तो वहीं हुआ था ये विद्रोह। आगे बात करते हैं रामोसी विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी से 29 ईस्वी में हुआ था। और ये 1822 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 29 ईस्वी तक चला था। और ये इसके जो नेतृत्व करता है वो है चित्तर सिंह जी। और ये भी पश्चिमी घाट में ही हुआ था। आगे बात करते हैं हम लोग पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1827 ईस्वी में हुआ था। और ये इसके जो नेतृत्व करता है वो है टीपू जी थे। हाँ, और इस ये भी काम हुआ था असम में हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग अहोम विद्रोह। एक विद्रोह हुआ था अहोम विद्रोह, ये 1828 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता है वो है गोमधर कुंवर जी। इसके नेतृत्व करता गोमधर कुंवर जी हैं। और ये कहाँ हुआ था? ये भी असम में ही हुआ था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम लोग बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन 1831 ईस्वी में हुआ था। और ये सैयद अहमद इसके नेतृत्व करता थे। और ये कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था और अपने यूपी में हुआ था। यूपी और बिहार में बहावी आंदोलन हुआ था जो 1831 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता है वो है सैयद अहमद जी। आगे बात करते थे हम लोग कोल विद्रोह की। तो कोल विद्रोह 1831 ईस्वी से 32 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता है ये है गोमधर कुंवर जी। गोमधर कुंवर जी कोल विद्रोह के नेतृत्व करता है। ठीक, और ये कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर बिहार में हुआ था। छोटा नागपुर बिहार में है ना, तो वहीं हुआ था ये। आगे बात करते हैं हम लोग खासी विद्रोह की। तो खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता है ये है तीरथ सिंह जी। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था असम में हुआ था। ठीक, तो इतने विद्रोह हैं, ये इनमें से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट ही हमने बताए हैं। लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इतने तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इनकी डेट ही मेनता पूछी जाती है, बहुत ही ज़्यादा इनकी डेट पूछी जाती है, डेट दे दी जाती है और इधर ये तो इनका मिलान करना होता है, तो ऐसे कुछ आते हैं। और कभी कभी ये दे दिए जाते हैं कि इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे और ये विद्रोह कहाँ हुआ था। और बहुत ही रेयर ये पूछा जाता है कि प्रभावित क्षेत्र पर, आप लोग एक नज़र इन पर डाल लीजिएगा। बाकी ये और ये दोनों इनके विषय में इनसे संबंधित चीज़ें ज़रूर जानकारी रखिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल।